हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पार्ट नंबर 6। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर 5 पार्ट्स आपके लिए अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लेना। कई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग वहां पर कवर कर चुके हैं। आज की क्लास के अंदर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, जो है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 के अंदर दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले समझेंगे अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी मतलब क्या होता है, और दूसरे नंबर पर हम लोग सीखने वाले हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या क्या खास बातें जो हमारे पास होनी चाहिए। तो सबसे पहला टॉपिक जो आज का रहेगा वो रहेगा कि अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस होता है। देखो, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस मैं ऐसे बताता हूं कि अकाउंटेंसी आप ये समझ लो कि बड़ा है और अकाउंटिंग जो है छोटा है। अकाउंटेंसी जो बोलता है अकाउंटिंग उसी के हिसाब से किया जाता है। अभी आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अकाउंटिंग के अंदर क्या आता है, अकाउंटिंग के अंदर हम बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं और कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो हर अकाउंटेंट यही काम करता है। हमारे इंडिया के अंदर जितने भी बिजनेस है सारे बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग की जाती है, सब यही करते हैं। अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन सोचो कि इंडिया के अंदर जितने भी बिजनेस वाले हैं, गवर्नमेंट तो सभी से टैक्स लेती है और जितने भी बिजनेस वाले हैं सारे बैंकों के पास जाते हैं, लोन लेते हैं। अगर सारे लोग रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग अलग अलग तरीके से करेंगे तो बैंक के लिए उन बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और गवर्नमेंट के लिए भी टैक्स कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर बंदा अपने अपने तरीके से क्या करेगा, रिकॉर्डिंग करेगा, क्लासिफाइंग करेगा, समराइजिंग करेगा। तो इन रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग के कुछ तरीके होने चाहिए, कुछ मैथड्स होने चाहिए, कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए, कुछ रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए, जो कि कौन तय करता है, जो कि तय करता है कौन, अकाउंटेंसी। यानी कि अकाउंटिंग कैसे करना है उसके रूल, रेगुलेशंस, नियम और कानून बनाने का काम कौन करता है, अकाउंटेंसी। यानी कि अकाउंटेंसी है बड़ा भाई और अकाउंटिंग क्या है, छोटा भाई। अकाउंटेंसी जैसे जैसे बोलता है अकाउंटिंग वैसे वैसे क्या करता है, काम करता है। अकाउंटेंसी का जो कंसेप्ट है वो बहुत वाइडर है, बहुत सारी चीजें हैं और अकाउंटिंग एक छोटा सा उसका पार्ट है। जरा समझने की कोशिश करते हैं कि अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो अकाउंटिंग कहता है, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। अकाउंटिंग तो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, बिजनेस में जो भी है उसको आइडेंटिफाई या मेजरमेंट करना, उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाई करना, फिर उसके बाद समराइजिंग करना, इंटरप्रेटिंग करना, कम्युनिकेटिंग करना, वही चीज़ें आप लिख सकते हो। किसका, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की है। तो कंसेप्ट इज नैरो, अकाउंटिंग का कंसेप्ट नैरो यानी कि छोटा बताया गया है एज कंपेयर टू अकाउंटेंसी। ये मैंने आपको बताया क्योंकि अकाउंटिंग एक छोटा सा पार्ट है, अकाउंटेंसी बताता है कि हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे। अकाउंटेंसी अपने इशारों पे नचाता है अकाउंटिंग को कि आप क्लासिफाइंग कैसे करोगे, आप कम्युनिकेटिंग कैसे करोगे, आप एनालिसिस कैसे करोगे, ठीक है। वी प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करते हैं, प्रिपेयर करने का काम करते हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं अकाउंटेंसी, तब हमारा कंसेप्ट थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। अकाउंटेंसी क्या कहता है, अकाउंटेंसी इंप्लाइज द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अकाउंटेंसी अपने आप में एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है दैट प्रेस्क्राइब द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उसके बाद कन्वेंशंस, मान्यताएं जिसे हम लोग कहते हैं, टेक्निक विच आर फॉलो ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग करने के लिए आपको कुछ प्रिंसिपल, कुछ कन्वेंशंस और कुछ टेक्निक को फॉलो करना पड़ता है, जो हमें कौन बताता है, अकाउंटेंसी बताता है। इसीलिए तो बोला गया कि अकाउंटेंसी अपने इशारों पर नचाता है किसको, अकाउंटिंग को। तो अकाउंटिंग छोटा भाई है और अकाउंटेंसी बड़ा भाई है। द कंसेप्ट इज ऑफ अकाउंटेंसी इज वाइडर, अकाउंटेंसी का कंसेप्ट काफी वाइडर है। इट इंक्लूड द प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, इसमें अकाउंट्स कैसे करना है उसके प्रिंसिपल और टेक्निक्स को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है अकाउंटेंसी बड़ी है और अकाउंटिंग छोटी है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे हम आ जाते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है, हम अपने बिजनेस के अंदर क्या करते हैं, अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। हम किसी अकाउंटेंट को रखते हैं और अकाउंटेंट को रखकर वो पूरे साल क्या कर रहा है, सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है, क्लासिफाई कर रहा है, समराइज कर रहा है। क्यों कर रहा है वो सारी चीज़ें, वो ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहा है ताकि लास्ट में अगर हमें बैंक से लोन लेना है तो हम उस इन्फॉर्मेशन को दिखाकर वहाँ से लोन ले सके। वो क्यों सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा है, ताकि हमें अपना प्रॉफिट पता लगाना है तो हम तुरंत जाकर उस बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करके वहाँ से अपना प्रॉफिट पता लगा सके। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एक सर्विस एक्टिविटी है, ठीक है। तो डेफिनेशन समझ लेते हैं पहले, अकाउंटिंग क्या बोला गया, अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी। इट्स फंक्शन टू प्रोवाइड
क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, ये हमें क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसके, अपने बिजनेस की। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो हमें हमारे बिजनेस की क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, कितने का सेल हुआ, कितने का परचेज हुआ, कितना कैश आया, कितना कैश गया, ठीक है, ताकि हम आसानी से इकोनॉमिक डिसीजन अपने बिजनेस के क्या कर सके, ले सके। अगले नंबर पे हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कितने टाइप की होती है, तो अभी आपने ज़्यादा अकाउंटिंग नहीं पढ़ी है तो आप लोगों को सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है वो तीन टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, तीन टाइप की। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड सरप्लस, हमें अपने बिजनेस से कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें अपने अकाउंट से कितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें अकाउंट से तीन तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए। हमें चाहिए कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया या हमें लॉस कितने का हुआ, हमें ये जानना है कि हमारे बिजनेस की सिचुएशन क्या है, हमारे पास कितने का स्टॉक है, हमारे पास कितने का इन्वेस्टमेंट है, हमारे पास कितने की बिल्डिंग है, हमारे पास कितने का प्लांट है, ये हमारे को जानना है। और अगला जानना है हमारे को कैश फ्लो, कैश फ्लो मतलब एक साल के अंदर हमारे बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। तो हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड करा है, या फिर आप ऐसे बोलो कि आपको अकाउंट से कितने तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, हमें अकाउंट से मेनली तीन तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, प्रॉफिट कितना कमाया या लॉस कितना हो रहा है हमारे को, हमें हमारी फाइनेंशियल पोजिशन क्या है, असेट्स कितने के हैं, लाइबिलिटी कितने के, कितना पैसा लेना है, कितना पैसा देना है, कितने रुपए के हमारे पास बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीन है, और कितना पैसा हमारा कैश फ्लो हो रहा है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम तक हमने कितना पैसा हमारे बिजनेस से गया और कितना पैसा हमारे पास आया। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। एक अकाउंटेंट, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपका अकाउंटेंट आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करेगा तो उस बुक्स ऑफ अकाउंट को देखेगा बैंक भी जब आप लोन लेने जाओगे, उस बुक्स ऑफ अकाउंट को देखेगी गवर्नमेंट जब आप टैक्स लेने जाओगे, उस बुक्स ऑफ अकाउंट को एम्प्लॉयज भी देखेगा जब उसको बोनस वगैरह चाहिए होगा, उस बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑनर भी चेक करेगा जब उसको क्या देखना होगा, प्रॉफिट चेक करना होगा, उस बुक्स ऑफ अकाउंट को हमारी सोसाइटी भी चेक करती है, कई बार हमारी पब्लिक भी चेक करती है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट जब इतने सारे लोग चेक करते हैं, इतने सारे लोग बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट को देखते हैं, तो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर क्या क्या बातें होनी चाहिए, तो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिलायबिलिटी यानी कि भरोसे के लायक होना चाहिए सबसे पहली बात। तो रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स इट इज वेरीफिएबल और फ्री फ्रॉम द बायस एंड मटेरियल एरर। सबसे पहली बात, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर कोई भी मटेरियल गलती नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई बड़ी बड़ी गलती उसके अंदर छुपी हुई नहीं होना चाहिए। हाँ, छोटी मोटी गलती तो हो जाती है, और फ्री फ्रॉम बायस होना चाहिए। ये नहीं कि अगले 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 साल हमारे को एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ाने का हमने वादा करा था, हमने बोला था हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो हम आपकी सैलरी बढ़ा देंगे, लेकिन क्या करा, बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जानबूझ के प्रॉफिट को घटाया गया, खर्चे ज़्यादा दिखाए गए, तो ये हमने क्या करा, ये बुक्स ऑफ अकाउंट फ्री फ्रॉम बायस नहीं है, हमने पक्षपात करा किसके साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगले नंबर पे है रेलिवेंस। इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट, इट मीट टू द नीड ऑफ यूजर ऑफ फाइनेंशियल इन डिसीजन मेकिंग। देखो, जो भी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट यूज़ करता है तो हर बंदे का पर्पस अलग अलग होता है। गवर्नमेंट हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट को यूज़ कर रही है ये पता लगाने के लिए कि हमें कितना जीएसटी लेना, तो हमारी सेल को चेक कर रही है, लेकिन हमने सेल को सही से नहीं दिखाया, या हमने सेल आधा अधूरा दिखाया है, या फिर वो हमारी इनकम के ऊपर टैक्स लगाना चाह रही है पर हमने अपनी इनकम को सही से शो नहीं करा। तो बुक्स ऑफ अकाउंट इस तरीके से होना चाहिए कि उसमें सारी इन्फॉर्मेशन कवर हो जाए ताकि वो सारी पार्टी के लिए रेलिवेंट रहे, एम्प्लॉयज अपनी ज़रूरत का सामान आसानी से उसमें देख सके, इन्फॉर्मेशन निकाल सके, गवर्नमेंट अपनी जरूरत की जो भी इंफॉर्मेशन है वो निकाल सके, ऑनर अपनी जरूरत की इंफॉर्मेशन उसके अंदर से निकाल सके। तो मैंने दो बातें बता दी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में रिलायबिलिटी पाई जानी चाहिए, रेलिवेंस पाया जाना चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी पाया जाना चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब क्या होता है, समझने योग्य। आप जो बुक्स ऑफ अकाउंट अपने बिजनेस के अंदर प्रिपेयर करोगे उसमें गवर्नमेंट के द्वारा बताए गए रूल्स, रेगुलेशंस, है ना, कन्वेंशन, सारी चीज़ें, प्रिंसिपल्स फॉलो होने चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे हो, देखो इंडिया के अंदर इतने सारे बिजनेस वाले हैं, सब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, सोचो अगर रूल रेगुलेशंस को फॉलो नहीं होगा तो सबके बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे बनेंगे, अलग अलग बनेंगे, तो कोई भी उसको सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। बैंक वाले कितनी बुक्स ऑफ अकाउंट, अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट को समझेंगे, उनके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। तो हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को
सारे प्रिंसिपल्स, सारे कन्वेंशंस और सारे रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए बनाना है, ताकि हम उसको इस तरीके से प्रेजेंट करें ताकि उसे सारे लोग आसानी से अंडरस्टैंड कर सके। तो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ मैनर दैट द यूजर्स आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए या इस तरीके से प्रेजेंट होना चाहिए कि सभी उसको अंडरस्टैंड कर सके। उसके बाद है हम लोग कंपेयरबिलिटी। बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर कंपेयरबिलिटी पाई जानी चाहिए, यानी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में कंपेयरबिलिटी पाई जानी चाहिए। आपने पिछले साल भी अकाउंट्स बनाई होगी और इस साल भी अकाउंट्स आपने करी, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट इस साल रेडी करा, पिछले साल भी रेडी करा, तो दोनों में आपने मेथड आपको सिमिलर रखना है ताकि आप उसको कंपेयर कर सको, है ना। ये तभी संभव है जब आप अकाउंट्स के सारे प्रिंसिपल्स, सारे रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करोगे। साथ में आपको अपनी कंपटीशन वाली फर्म से भी अपने आप को कंपेयर करना पड़ सकता है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट इस तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए ताकि हम उसका क्या कर सकें, कंपैरिजन भी कर सकें, ठीक है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी हेल्पफुल इन इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंट्रा फर्म कंपैरिजन का मतलब होता है अपनी फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट को अपनी फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट से कंपेयर करना। जैसे पिछले साल में आपने कितना प्रॉफिट कमाया और इस साल कितना प्रॉफिट कमाया, दोनों बुक्स ऑफ अकाउंट को मैच करना, इसे कहते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। और एक होता है इंटर फर्म कंपैरिजन, इसका मतलब कि अपनी फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट को दूसरी फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट से कंपेयर करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ जाता है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। बिजनेस में बनाए जाने वाली अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी अकाउंटिंग के अंदर कौन कौन सी बातें पाई जानी चाहिए, कौन कौन से एलिमेंट होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, रेलेवेंस होना चाहिए यानी कि प्रॉपर होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी पाया जाना चाहिए और कंपेयरबिलिटी भी उनमें पाया जाना चाहिए। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर हमने दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिए हैं। अगली क्लास के अंदर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इस चैप्टर का कवर करेंगे।